एक बहुत बड़ा भालू जंगल में रहता था। उसका नाम था भानु। भानु को बहुत ज्यादा भूख लगती थी। वो हर समय बस खाता ही रहता था, जितना भी खा ले, लेकिन उसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। इसीलिए उसका दोस्त हाथी हर रोज अपने खाने का कुछ हिस्सा उसे दे दिया करता था। ये लो, आज तुम्हारे लिए केले लाया हूँ, बहुत मीठे हैं, लो खाओ, फिर साथ में सैर पर चलते हैं दोस्त। भानु जीभ भर के केले खाता है और फिर हाथी के साथ सैर के लिए निकल जाता है। रास्ते में भानु भालू को फिर से भूख लग जाती है। अरे मुझे तो फिर भूख लग गई दोस्त, बहुत भूख लगी है, क्या करूं? चलते चलते थक गया, पुराने सारी खाई हुई चीजें हजम हो गई हैं। हाँ, अच्छा रुको, सोचता हूँ क्या करूं, सोचने दो कुछ। हाथी ने भानु को कुछ खिलाने का सोचा और आसपास देखने लगा। तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा मधुमक्खियों का छत्ता था जो शहद से भरा हुआ था। अगर ये मक्खी यहाँ से चली जाए तो मैं भानु का पसंदीदा शहद उसे दे सकता हूँ, इससे उसका पेट भर जाएगा। हाथी मन का बहुत अच्छा था। वो रानी मक्खी के पास एक गुलाब का फूल लेकर गया और कहने लगा, रानी मक्खी रानी मक्खी, कैसी हो तुम? लो लो, ये तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। शुक्रिया हाथी भाई, मैं ठीक हूँ, और गुलाब का फूल ये मुझे बहुत पसंद है। आज यहाँ कैसे आना हुआ? आज मेरे दोस्त भानु बालू का जन्मदिन है, हम सैर पर निकले हैं, उसे बहुत भूख लगी है, उसे कुछ उपहार भी देना चाहता हूँ। जानती हो उसे ये शहद बहुत पसंद है, अगर तुम थोड़ा शहद दे दो तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, और एक बात कहूँ, ये तो तुम्हारी दोस्ती है। भालू का जन्मदिन तो 3 महीने पहले था, उसने मुझे बताया था। ये लो शहद, दे दो अपने दोस्त को। हाथी बहुत खुश हो जाता है, मधुमक्खी को शुक्रिया अदा करता है और भागा भागा भालू के पास जाता है। ये लो दोस्त, ले आया शहद, जी भर के खाओ। दोनों दोस्त खूब खाते हैं और खूब हंसते हैं। एक जंगल में एक मादा जीब्रा उसके परिवार के साथ रहती थी। वह अपनी पति के साथ बहुत खुशी से रहने लगी। उसको जंगल में बहुत सारे दोस्त थे, जैसे कि खरगोश, लोमड़ी और हाथी भी। एक दिन जीब्रा खाने की तलाश में जंगल में भटक रही थी, तभी अचानक उसकी पेट में दर्द शुरू हो गई। तभी उसकी डॉक्टर दोस्त हाथी आकर जांच करती है। अरे मेरे दोस्त, तुम अभी गर्भवती हो, तुम्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए, हो सके तो तुम घर में ही रहना। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन जब जीब्रा जंगल में भटक रही थी, अचानक बहुत जोर सी बारिश और तूफान आ गया। जीब्रा को पता नहीं चला किस तरफ जाना था, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी जीब्रा एक तरफ से निकल पड़ी और अंधेरा हो गया। जब सुबह उठकर देखा तो गर्भवती जीब्रा एक बड़े रेगिस्तान में पहुंच जाती है। वहां पर कुछ भी नहीं था, ना पीने के लिए पानी या खाने के लिए खाना। तभी एक ऊंट उसको देखता है। अरे जीब्रा, तुम इधर कैसे पहुंच गई? तुम यहाँ पर नहीं रह सकोगे, ये एक रेगिस्तान है। हाँ मुझे मालूम है, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। मैं जिस जंगल में रहती थी उसमें बहुत बड़ी बारिश और तूफान हो गई थी और अंधेरा हो गई। जब सुबह उठकर देखा तो मैं यहाँ पर हूँ। तुम शायद भागकर रास्ता भटककर रेगिस्तान पहुँच गई हो। ठीक है, तुम मेरे साथ ही रहना, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करूँगा। जल्दी कुछ करो, क्योंकि मैं अभी गर्भवती भी हूँ, मुझे बहुत भूख और प्यास भी लगी है। ओ, ऐसी बात है, मैं तो पानी के बिना 1 महीने तक रह सकता हूँ, लेकिन तुम गर्भवती होने के कारण मैं अभी तुम्हें एक ओयासिस के पास लेके जाता हूँ, मैं यहाँ का छप्पा छप्पा जानता हूँ। ऐसा बोलकर ऊंट ने जीब्रा को एक ओयासिस के पास लेके जाती है। वहाँ पर पानी और घास देखती है।
जीब्रा खुश होकर बहुत सारा घास खाती है और पानी भी पीती है। तभी ऊंट जाकर उसके मालिक को जीब्रा के जंगल के बारे में पूछता है। तभी उसके मालिक ऊंट को जंगल तक जाने का रास्ता बोल देता है। तभी ऊंट ने, शुक्रिया मालिक, देखो जीब्रा, ये रास्ता बहुत कठिन है और रेगिस्तान में बहुत धूप है। एक काम करो, तुम मेरे पीठ के ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे जंगल तक पहुंचा देता हूँ। अरे, तुम मुझे उठा सकते हो क्या? तुम घबराओ मत, मैं भारी वजन उठाकर रेत पे चल सकता हूँ। ऐसा बोलते ही ऊंट नीचे झुकती है और जीब्रा ऊंट पर चढ़ जाती है। फिर ऊंट ने सुरक्षित जीब्रा को अपने जंगल तक छोड़ देता है। वहां पर जीब्रा के पति और उसके दोस्त गर्भिणी जीब्रा को ढूंढ रहे थे। जीब्रा को देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिन में जीब्रा एक छोटी से जीब्रा को जन्म भी देती है। विशाल खरगोश की कहानी। बदलापुर नाम के एक शहर में पागल पिंटू करके एक नौजवान रहता था। वो उसके मम्मी पापा के साथ रहता था। उसको पागल इसलिए बोलते थे कि वह हर रोज कोई ना कोई पौधा और पत्ते को लाकर घर में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता था। एक बार ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट करके उस मिश्रण को उसके दोस्त को पिला दिया। उसका दोस्त अगले दिन तक पूरा काला हो गया। तभी उसकी माँ पागल पिंटू के घर आकर उसकी माँ से ऐसी बोली, अरे ओ पिंटू की माँ, देखो तुम्हारा पागल बेटे ने क्या किया है, उसने मेरे गोरे बेटे को काला बना दिया है, बुलाओ अपने पागल पिंटू को। अरे ओ पागल पिंटू, बाहर आओ, देखो ये तुमने क्या किया है, जल्दी इसको फिर से गोरे होने की दवाई दो। मम्मी जी, मेरे पास इसके लिए दवाई नहीं है। आजी सुनते हो, संभालो अपने पागल बेटे को, नहीं तो ये कुछ दवाई बनाकर हम दोनों को मार डालेगा। अरे नहीं भगवान, मेरा बेटा पिंटू एक दिन साइंस में एक्सपेरिमेंट करके नोबेल प्राइज जीतेगा। पिताजी ऐसे बोलने पर पिंटू एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ता। फिर से वह जंगल जाकर कुछ पौधे, पत्ते और पत्थर लेके आता है और दो दिन मेहनत करके एक दवाई बनाता है, जिसको पीने से कोई भी बहुत बड़ा विशाल आदमी बन जाता है। पापा ये देखो मैंने क्या बनाया है, ये दवा हर किसी को जाइंट विशाल आदमी बना देता है। अरे बाप रे, ये कैसा दवाई है रे? ठीक है, उसे संभाल के रखो, कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो पुलिस हमको अंदर कर देगी। पापा ऐसे बोलने से पिंटू नाराज हो जाता है। फिर उसने जंगल से एक खरगोश को लाकर उस दवाई को परीक्षा करने के लिए उस खरगोश को पिला देता है और जाकर सो जाता है। सुबह उठते ही एक बड़ा विशाल जायंट खरगोश उसके घर के सामने सो रही थी। तभी वह जाकर उसे उठाता है। खरगोश उठते ही गांव के बाजार में जाकर सारे दुकानों पर टूट पड़ती है। उसे बहुत भूख थी, इसीलिए सब्जी मंडी जाकर सारे सब्जियों को खा जाती है। बाद में खरगोश खेतों की तरफ जाकर सारे केले की फसल को खा जाती है। फिर सारे लोग उस विशाल खरगोश को देखकर हैरान हो जाते हैं और सरपंच के यहाँ आकर शिकायत करते हैं। तभी सरपंच ने पिंटू को बुलाकर, क्या रे पागल पिंटू, तुम तुरंत उस विशाल खरगोश के साथ कुछ कर, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुरंत पिंटू ने एनिमल वेलफेयर वाले को बुलाकर उनको जायंट खरगोश को दिखाता है। तुरंत उस खरगोश को एक बेहोश होने की सुई लगाकर एक गन से उसे शूट करते हैं। तभी वह बेहोश हो जाती है। फिर सारे मिलकर उसको एक बड़े से ट्रक में डाल देते हैं, जू लेके जाते हैं। ऐसा पागल पिंटू ने सारे गांव वालों को उस जायंट खरगोश से बचाता है। ऑटो चलाने वाला भालू। श्यामपुर के गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम जॉनी था। जॉनी उसके पत्नी स्वप्ना और बेटा राहुल के साथ रहता था। जॉनी एक जू में काम करता था और जानवरों को ट्रेनिंग देना उसका काम है। लेकिन जॉनी के पास एक पालतू भालू भी था जिसको वह घर में रखकर पालता था। उसको एक पिंजरे में रखकर हर रोज खाना देता था और उसका ख्याल भी
पूरा रखता था। कुछ दिन के बाद उसका बांजा लल्लू उसके घर आता है। हेलो जीजा जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? और दीदी कैसी है? लल्लू, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारा बैग किधर है? अरे बाप रे, मैं अपने बैग को बस में भूल गया जीजा जी। हाय रे देवा, माँ आप सबके लिए मिठाइयाँ भी दिया है। मिठाइयाँ तो गए तेल लेने। ठीक है, अंदर आओ और फ्रेश हो जाओ। अभी तक तुम भुलक्कड़ ही हो क्या? क्या करो जीजा जी, वो तो ठीक है, लेकिन आपका पालतू भालू किधर है? अब की बार उसको मैं बहुत सारे ट्रिक सिखाऊंगा। तुम कुछ भी करो, लेकिन बाहर मत छोड़ो उसको। ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर जॉनी चिड़ियाघर को निकल जाता है। लल्लू भालू को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। लल्लू बाहर से बोलता था और भालू पिंजरे के अंदर ही रहकर सब कुछ करता था। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन जॉनी की पत्नी स्वप्ना लल्लू को बुलाकर, अरे लल्लू ये लो, ये भालू का खाना है, इसे पिंजरे के अंदर रखना। लल्लू भालू के खाने को अंदर तो रखता है, लेकिन बाहर आते वक्त ताला लगाना भूल जाता है और जाकर सो जाता है। धीरे धीरे से भालू उस पिंजरे से बाहर आकर गांव के सड़कों पर चला जाता है। गांव में भालू को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। अरे बचाओ बचाओ, भालू हम पे वार कर रही है। लेकिन भालू आराम से आता है। उसे एक ऑटो दिखाई देता है और वह भालू ऑटो में बैठकर उसे चलाती है। उसमें लल्लू भी चढ़ जाता है। भालू ऑटो को लेकर सारे गांव में घूमने लगता है। सारे गांव के लोग भालू ऑटो चलाते हुए देख चौंक जाते हैं। ये बात सुनते ही जॉनी वहां पर आ जाता है। अरे लल्लू, ये कैसा किया रे? भालू को ऑटो चलाना कैसे सिखाया रे? अरे जीजा जी, मैं घर में ही रहकर भालू को बहुत सारे चीजें सिखाया है। ये देखकर जॉनी को एक ख्याल आता है। भालू का सारे ट्रिक्स को दिखाने के लिए एक प्रदर्शन रखना चाहा, ताकि गांव के लोग आकर देखें और उससे वह पैसे कमा सकें। अगले ही दिन से लल्लू भालू का प्रदर्शन रखते हैं। उसे देखने के लिए 10 रुपए की टिकट भी रखते हैं। जैसा ही सोचा, बहुत कारनामे करते हुए भालू को देखने के लिए सारे गांव के लोग आने लगे। और उस प्रदर्शन में हाईलाइट तो भालू की ऑटो चलाना ही है।